हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो यार आज कुछ अपडेट्स लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रहण वेब सीरीज की, जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है। ये आज रात को 12 बजे से स्ट्रीमिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इस पर्टिकुलर सीरीज को लेकर एक बहुत ही बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, यानी कि हैशटैग बैन ग्रहण वेब सीरीज। अब वो आज पूरे ट्विटर पर ट्रेंडिंग चल रहा था। अब ये क्यों चल रहा है मैं आपको बताऊँ कि इस सीरीज में हमें 1984 का टाइम बताएगा, जब सिख राइट्स हुए थे, यानी कि सिख दंगे हुए थे। अब ये दंगे क्यों हुए थे, फिर उसके बाद क्या कुछ हुआ था, यानी कि वो बेसिकली शो में बताया। लेकिन ये शो के चलते जितने भी जो हमारी सिख कम्युनिटी वाले लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनको यहाँ कहीं ना कहीं उनकी कम्युनिटी को इस पर्टिकुलर शो में गलत वे में प्रेजेंट किया या उनको गलत बताया। तो इसलिए वो चाहते कि इस शो को जल्दी से जल्दी बैन किया जाए, यानी कि इसको टेलीकास्ट ना किया जाए। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, मेरे जितने भी सिख भाई हैं, अगर उनको ऐसा लगता है और वाकई में इस शो में इस तरह की चीज़ें हैं जिससे एक कम्युनिटी हमारे इंडिया की, जहाँ पे हम लोग सब मिलजुल के रहते हैं, अगर हमारे इंडिया में किसी भी कम्युनिटी को अगर कोई भी गलत वे में बता रहा है, जबकि वो लोग ऐसे नहीं है, लेकिन फिर भी उसको उस तरह से बता रहा, तो मेरे हिसाब से वो पर्टिकुलर शो बैन होना चाहिए। लेकिन मैं साथ साथ एक और चीज़ बता दूँ कि मैंने ये शो नहीं देखा और ये शो अभी तक स्ट्रीमिंग होना स्टार्ट नहीं हुआ, तो इस वजह से मैं इस पर कुछ भी टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी है तो उस सारी चीज़ों को मैं सपोर्ट नहीं करता। ये रही ग्रहण सीरीज से लेकर एक अपडेट। अब हम लोग बात करेंगे KGF चैप्टर 2 की रिलीज डेट को लेकर, जिसके वजह से आज दिन में बहुत ही ज्यादा बवाल हुआ। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि मेकर्स ने कहा है कि सितंबर 9 को, यानी कि इसी साल, ये मूवी रिलीज हो सकती है KGF चैप्टर 2। लेकिन वो तभी मुमकिन होगा जब इंडिया में कोई नई वेव, यानी कि थर्ड वेव नहीं आएगी कोरोना वायरस की। तब देखो यार, मैं भी नहीं चाहता कि थर्ड वेव आए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर ऑब्वियसली थिएटर्स नहीं खुलेंगे और फिर उसमें KGF चैप्टर 2 इस साल रिलीज, यानी कि सेप्टेम्बर 9 को फिलहाल नहीं होगी। लेकिन आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है कि वाकई में ये सितंबर 9 को रिलीज हो पाएगी? अगर आप लोग ये सेम क्वेश्चन मुझसे पूछोगे तो यार बहुत ही कम चांसेस है, क्योंकि अभी देखो यार जून का महीना ऑलमोस्ट खत्म होने पे है। जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी कि 2 महीने बाद, यानी कि थर्ड मंथ में ये मूवी रिलीज होने के लिए ऐसा बोल रहे। तो अगर देखो यार थिएटर खुलता भी, मान लो कोविड के थर्ड वेव नहीं आती, जो कि मैं चाहता कि ना आए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो अगर थिएटर ओपन भी हो गए तो 100% नहीं हो गए, भूल जाओ 100% तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और ऐसे में थिएटर को 100% ऑक्यूपेंसी में इस साल खोलना मतलब मौत को दावत देना, क्योंकि कोविड किसी को देख के नहीं आता कि यार कौन सा रिलीजन है, अमीर है या गरीब है, कोविड किसी को भी हो सकता है। तो ऐसे में अगर थिएटर में एक बंद रूम में अगर 100, 200, 300, 500, मतलब ऐसे भी थिएटर से जहाँ पर एक साथ 1000 ऑडियंस बैठ के देखती, तो उसमें कितना ज़्यादा रिस्क हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये साल थिएटर 100% खुलेंगे। तो जब 100% खुलेंगे नहीं तो फिर ऑब्वियसली KGF चैप्टर 2 रिलीज ही नहीं होगी, क्योंकि वो उस लेवल की मूवी है जो वो चाहते हैं कि जब पूरे इंडिया में थिएटर्स खुल जाए 100% ऑक्यूपेंसी के साथ, तभी वो लोग उस पर्टिकुलर मूवी को रिलीज़ करेंगे। तो फिलहाल सितंबर 9 का मुझे तो भाई बहुत ही ज़्यादा झोल लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि सितंबर 9 को रिलीज़ होगी। लेकिन अगर ऐसा होता है तो यार बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ दुआ करो, प्रे करो कि भाई जो कोविड जैसी ये जो फालतू ये जो महामारी वो हमारे देश से चली जाए, क्योंकि यार इस वजह से काफ़ी जान तो गई, लेकिन साथ साथ जो हम लोग जिसे जो मिडिल क्लास लोग हैं या जो गरीब लोग हैं, उसकी पूरी तरह से बैंड बज गई। तो अब मैं चाहता हूँ कि कोविड चले जाए। हम लोग तीसरी बात करेंगे, वो है ऋतिक रोशन, जिस हर किसी के फेवरेट है भाई ऋतिक रोशन। उन्होंने आज फाइनली ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर ये अनाउंस किया है कि 15 साल हो चुके क्रिश को और अब क्रिश 4 की तैयारी, यानी कि दबे शब्दों में उन्होंने कह दिया कि अब हमें क्रिश 4 बहुत ही जल्द देखने मिलेगी। और जो उन्होंने लिखा है कि पास्ट और फ्यूचर को लेकर, तो उससे एक हिंट मिलता है कि यार हमें क्रिश 4 में हो सकता है कि टाइम ट्रैवलिंग देखने को मिले। अब पास्ट और फ्यूचर ये वर्ड्स का यूज़ जो उन्होंने किया, तो यार कुछ तो सोच के किया होगा। तो अब देखते हैं कि उसमें टाइम ट्रैवलिंग देखने को मिलता है कि नहीं, वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल खुश होने की वजह यह है कि यस, एक्टर ने खुद बता दिया कि क्रिश 4, हैशटैग क्रिश 4, मतलब कि आप समझ लो कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें 2023 या मैक्स टू मैक्स 2024 तक क्रिश 4 डेफिनेटली देखने को मिलेगी। अब इस पर कितनी जल्दी काम शुरू होता पता ही नहीं, या बस उन्होंने बस लोगों को एक्साइट करने के लिए अनाउंसमेंट किया, मुझे बिल्कुल ही नहीं पता। लेकिन खुशी इस बात की कि चलो फाइनली क्रिश 4 हमें कभी तो देखने को मिलेगी। तो यार बस ये कुछ अपडेट्स थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो आपकी मर्जी। और आपका क्या ओपिनियन है ग्रहण वेब सीरीज को लेकर, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और क्रिश 4 को लेकर आप कितने एक्साइटेड हो वो भी मुझे बता सकते हो। और KGF चैप्टर 2 की रिलीज डेट को लेकर आपका क्या ओपिनियन है सब लोग बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं सबसे बात करता हूँ। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।